परम सम्मान लो गुरु रूप गुरु खालसा साहब संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सर्वत संतों बहुत बहुत वड्डियां पाणा वाले हो जिन्हां नूं गरीब नवाज दसां पातशाहियां दे पावन प्रताप स्वरूप ਭਗਤ ਕਵਰ ਸ਼ਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੰਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮੀ और हमेशा सेवा विच तत्पर रहने वाले बहुत ही सम्मान योग जथेदार भाई अवतार सिंह जी उन्होंने दशहरे के समागम से आप संगत हाजरियों भर रहे हो। बीबिया के चरणों की बेनती है थोड़ा जा समा चुप का दान कोशिश करो। बड़े प्रेम नाल आपां सतगुरु जी के चरणों में हाजरी करनी है। बहुता लम्मा समा नहीं लाउणा। साध संगत जी आप जी ने श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग तो उपरंत दमदमी टकसाल के हजूरी रामी जथे भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी के जथे तो गुरबाणी का बहुत ही वैरागमयी रस भजन कीर्तन सरवण किया है। हजूर ने जो पावन पवित्र सिखमुख वाक बख्शिश किए हैं उन्होंने की कथा भी आपां सरवण करनी है। सत संगत जी मेहता नगर एक महान नगर वजो जानिया जाता है और दुनिया भर में इस नगर की एक इतिहासक नगर वजो गिनती होती है। दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ मेहता नगर का जब तुसी नाम लोगे भावना वाले श्रद्धा वाले गुरसिखा का उदो ही सिर चुक जाता है क्योंकि इस नगर में धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी के पावन पवित्र बख्शिश स्वरूप उन्होंने कर कमलों तो स्थापित की हुई महान जथेबंदी दमदमी टकसाल का हेडक्वार्टर है। और इस नगर में सब तो पहला महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी पंथ रतन संत बाबा सुंदर सिंह जी भिंडरां वाले जो दमदमी टकसाल के ग्यारहवें मुखी सन उन्होंने महापुरखों ने इस नगर में आना किया। उदों गुरद्वारा सिंह बेला ही इतने मौजूद सी जिथे महापुरख गुरबाणी गुरु इतिहास की कथा का प्रवाह चलाते रहे। बल्कि गुरद्वारा श्री बाबा बकाला साहिब जी तो बाद बटाले तक केवल एक ही स्थान सी जिथे संगत जुड़िया कर दिया सन वह गुरद्वारा सिंह बेला सी और उत्थे महापुरख लम्मा लम्मा समा आके कथा संगत सरवण करवाते रहे। उन्होंने महापुरखों तो बाद दमदमी टकसाल के बाद मुखी सखन वासी संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा जी जवानी कोई जो अजे महापुरखों के दारा उतरदा सी उदों तो इस नगर में आने शुरू होए। कहन तो प्राण मुराद है बाबा भजन सिंह जी बाबा अवतार सिंह जी के वड्डे भराता संगत में बैठे है। एक यहोजे बजुर्ग हैं जिन्होंने महापुरख संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा जी को लैके अज तक पांच पीढ़ियां हो गई। पांच पीढ़ियां सारे महापुरखों के दर्शन किए उन्होंने मुखार बिंदों गुरबाणी गुर इतिहास की कथा सुनी और अमरधारी होए नितनेमी बने। बल्कि जथेदार भाई अवतार सिंह जी का मैं नियम देखिया
दोनों समय उन्होंने गुरुद्वारा साहिब गुरुद्वारा गुरदर्शन प्रकाश स्थान पे बिना नाका साहब संगत जी दोनों समय दीवान की हाजरी भरिया करते सन। अमृत वेले के दीवान विच भी जाना, अज तो बहुते सिखा इन्ना भी ज्ञान नहीं कि सतगुरु जी को नमस्कार करके परिक्रमा करनी चाहती है जी जगह हो गए, कई थावान से जगह नहीं होती उदों फिर दरबार की परिक्रमा कर ले। पर साध संत जी पुराने सिंह जिन्हें भी मैं नगर के वेखे शाह बाबा संत सिंह जी, शाह बाबा दलीप सिंह जी, बाबा भजन सिंह जी, बाबा करतार सिंह जी, जथेदार भाई महिंदर सिंह जी, अवतार सिंह जी, जिन्हें भी ये सारे पुराने सिंह ईवन के नवे नौजवान भी नगर दे, इन्हों उत्ते सतगुरु जी की ऐसी कृपा है जदों भी नमस्कार करेंगे सतगुरु जी की परिक्रमा निशान साहब दियाँ परिक्रमा करनिया सत्संग बैठना। सो भाई अवतार सिंह जी ने हमेशा सतगुरु जी को नमस्कार करनी परिक्रमा करनिया कीर्तन और कथा सुनना बिना नागा। और उस वक्त भी इस नगर की संगत ने अपने पिंडे ते हंडाया जदों जून 84 का घल्लू घारा वापरिया, महते के आले दुआले तोपा टैंकों नूं बीड़िया होया सी हमला करने वास्ते गुरद्वारा साहिब ते। पर उदों भी इन्हां परिवारां ने इन्हां सिंघां ने इस नगर ने बड़े हौसले नाल दृढ़ता पूर्वक साध संगत जी जदों उस समय नूं याद करदे हां बड़ा ही भयानक काल सी समां सी ओह। पर उदों इह परिवार डट के साथ दिंदे रहे, गुरु घर जाना आना नहीं छड्डिया, दुख सुख दे विच बड़ा वड्डा साथ दित्ता। कोई भी गुरु घर दे कारज होने महापुरख संत बाबा करतार सिंह जी खालसा जी ने जदों गुरद्वारा साहब जी की सेवा कराई, इन्हां बजुर्गां ने अपने सीस उत्ते उत्ते इट्टां टोकरी ढोई, इट्टां चुकनियां, गारा चुकना, मिट्टी चुकनी, कई चलाउणी, लैंटरां की सेवा करनी, इन्हां दे हत्थी ओह सारा स्थान बनिया इन्हां बजुर्गां दे संगतां दे सहयोग नाल। और साध संगत जी सारा सारा दिन संत बाबा करतार सिंह जी खालसा जी ने आ वेखो अज किन्नी गर्मी है, गर्मी की रुत दे भर गर्मी दे विच रालियां भर भर के इन्हां सिंघां ने टिब्बियां तो रेतियां दियां लैके आउणियां, सारा दिन भर्ती पाउणी। इहो जे भी सिंह सन पुराने सिंह बचन सुणाउंदे है, एक वेरी मिस्त्री सिंह लगे हुए सन ते कुछ समां आराम लई जदों थले आए संत बाबा करतार सिंह जी खालसा जी नूं पता लगा, संत कहण लगे भाई तुसीं सेवा छड्ड के थले की करदे हो, जाओ सेवा करो। उन्हां सिंघां दा ऐसा सिदक वेखिया कि ओह सारा दिन ते सारी रात तक कम करदे रहे। जदों 2-3 वजे महापुरख अपने आसन तों उठे ना, इट्टां दी आवाज आई खड़कदियां दी, इट्टां लग रहियां सन, नेरे विच दीवे जगाए होए सन। संतां ने आख्या इह की गल, अजे भी सिंघ सेवा विच लगे है, ਇਹ ਬਚਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਇਆ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ। ਸੰਤ ਉੱਤੇ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ। ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਵਚਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਹਟਾਇਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਰੱਜ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਹਿਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਨਗਰ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੰਗਰ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਉਤਲੇ ਕਮਰੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਤੀ।
उस तो बाद संत बाबा जरनैल सिंह जी तो बाद महापुरख संत बाबा ठाकुर सिंह जी खालसा जी का समा आया। वो भी कोई समा सुखा भरिया समा नहीं सी, बड़ा कठिन समा सी। तुसी देखिया पर बजुर्ग दिन रात बाबा जी के बचन उत्ते पहरा दिंदे रहे। असी देखिया छोटा वड्डा कोई भी कारज इन्हां नूं जिथे भी भेज देना, जिथे भी ड्यूटी ला देनी। दसेदार बाबा धर्म सिंह जी साडी सेवा निभाया करते सन, उन्हां दे नाल जिधर नूं भी तोड़ देना, कुफन भाने तुरे ही रहना। और फिर खेतां दे विच कोई खेती का फसल बाड़ी का काम है, सेवा विच जिथे ला देना उत्ते लक बन के सारा सारा दिन सेवा करना। इस संखेप बेनती मैं तां कीतियां, ये सेवा वाली आत्मावां सन, इन्होंने बहुत वड्डी घालना कर ली है। इन्होंने बजुर्गों की सेवा अगे मेरा सिर हमेशा ही झुकदा, जिन्होंने एड्डी वड्डी महान सेवा इस हेड क्वार्टर की कीती। भाई अवतार सिंह जी ढिले होने के बावजूद भी शरीरक ढिलियाई भी हो गई, सैकल ते ना जाया जाना, तुर के हौली हौली सोटे के आसते मत्था टेकन उन्होंने जाना ही जाना। इन्ना सतगुरु के नाल प्यार, इन्ना स्नेह, फरीदा पिजो सजो कंबली अल्लाह वरसै मेहो, जाय मिला तेरा सजना तुटो ना ही नेहो। साध संगत जी ये गुरबाणी दियाँ पंक्तियाँ जो अमली रूप के अपने इन्हों की कमाई करनी पैंती है, उदो पता लगता कि किन्नी घालना घालनी पैंती है। समुद्र सागर हो गए बहतारा उस कलंक गुरु पै जाए। रोज किसी न कई बार तू पांच मिनट वाहगुरु का नाम जपया कर, रोज जपदा भी कई बार नाके पै जाए, बंदे का मन इन्नी ढलियाई के आ जाता। भाई तू रोज दर्शन करया कर, कित ना कि नागा बंदे को पै ही जाता। पर गुरसिख धन सन बिना नागा ये दर्शन करते रहे, संगत करते रहे, सेवा करते रहे। बहुत वड्डिया घालना इन्होंने बजुर्गों दया। नौजवान पीढ़ी लई तां मैं वचन दस रहा कि सानू सारयां नूं पता लगे भी ये बजुर्ग गुरमुख आत्मावां, ये सिंह किन्नी सेवा दे विच तत्पर हो के लगे रहे। जथे दे सिंघां नूं भी पता होना चाहिए इन्हां बजुर्गों ने बहुत वड्डी सेवा की। बाबा जी अमेरिका गए हुए सन, उत्थों बाबा जी ने जथेदार भाई भजन सिंह जी नाल लैंडलाइन फोन उत्ते गलबात की। इस तरह जथेदार भाई मंडल सिंह, बाबा करतार सिंह ते बाबा जी कले कले इन्हां सारयां नाल फते दी सांझ करके हाल चाल पुछ रहे सन। ते बाद विच बाबा जी ने जो सारे नाल गल कर ली, दास जी कोले बैठा सी अमेरिका विच, महापुरख बाबा ठाकुर सिंह जी कहन लगे, कहिंदे भाई इन्हां संघां दी सेवा जथे दे सिंघां नालों भी वड्डी सेवा। इन्हां ने जथेबंदी नूं अपना परिवार समझ के सेवा कीती ते अज भी कर रहे आ, मेरे वचनां ते पहरा दिंदे आ। जिथे मैं ढला दिया जिहड़ी भी ड्यूटी ला दिया, भाई पाला सिंह जी के पिता जी सन ना दास नूं विसर गया उन्हां दा, इन्हां सारयां नाल ही बाबा जी ने दो दो मिनट चार चार मिनट वचन कीते। बड़ा प्यार महापुरख करते सन इन्हां सारे बजुर्गों के। सो साध संगत जी भाई अवतार सिंह जी जे मैं कह दिया कोई अत कथनी नहीं, अपनी जीवन यात्रा जिंदगी सफल करके गए, गुरसिखी की रहत निभाई, बाणी बाणी के प्रपत धारनी रहे, अपने बच्चों गुरसिखी जथेबंदी दमदमी टकसाल हमेशा उन्होंने जोड़ के रखिया। इउं उन्होंने अपना जीवन भी सफल किया, अपने परिवार को भी सफल किया। सो साध संगत जी परिवार लई, जथेबंदी लई, नगर लई, संबंधियों लई बहुत वड्डा घाटा है। बाबा जी बैठे है, सो इन्हां दे तां छोटे भराता सन बाबा भजन सिंह जी दे, वड्डे भरा नूं जिन्ना वड्डा डाढा दुख हुंदा छोटे दा, ओह महसूस कर सकदा दस नहीं सकदा। और किन्ना प्यार इन्हां भरावां दा आपस दे विच, मेरा तां नहीं ख्याल कदे इन्हां ने आपस विच कदे इक दूजे दा वचन मोड़िया होवे। एक दूजे भरा का इन्ना प्यार परिवार
भरातरी भाव दिन ब दिन घटता जा रहा है। यह सत संगत की कृपा महापुरुखों की संगत का प्रताप है भाई। इन्होंने बजुर्गों ने सिर तोड़ भरावान का प्यार भरावान वागू निभाया, गुरसिखी वाला प्यार नहीं निभाया। दोनों भरा गुरुद्वारा साहब जाते रहे, बाबा भजन सिंह जी को शरीरक तकलीफ आई, फिर भी कितने ना कितने उन्होंने नाल लैके जाना, साइकिल के मगर बिठा के लैके जाना। सो साध संगत जी ऐसे गुरमुख सिंह जदों हौली हौली योजे सिंह साडे विचों विछड़ी जाते हैं तो सानू बहुत वड्डी घाट महसूस होंगी। योजे सिंह मिलने बड़े औखे, इन्हों की घाट आने वाले समय में सानू महसूस कितनी होनी है अंदाजा नहीं लाया जा सकता, क्यों ये अंदरों जुड़े हुए सन। अंतरीम तौर पर इन्होंने सेवावान कीतियां बड़ी चढ़ती कला दे। तो जे मैं उन्होंने सेवा उत्ते उन्होंने संगत के उत्ते बोली जावा भावें जिन्ना मर्जी समा लग सकता, पर गर्मी का मौसम है, संगतां भी बड़ी लंबे समय तो बैठिया, इस करके ऐसे गुरमुखां की याद में आप बैठे हो। उन्होंने तो अपना जीवन सफल करके संसार को गए है, सतगुरु जी की गुरबाणी का प्रमाण है, जमन मरन ना तिन को जो हर गढ़ लागो। जेडे परमेश्वर के गुरु के लग लग जाते हैं, ना उन्होंने जमन है ना उन्होंने मरण है, उन्होंने वासा तो सतगुरु की गुरपुरी सतखंड के होंगे है। सो साध संगत जी आओ मन बिरती एकाग्र करके सतगुरु जी दे श्री मुखवाक की कथा आप संत सरवण करो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सोरत महला नामा, सोरत रानी अंदर नौवें पातशाह धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी परम वैरागमयी उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। ये शब्द सतगुरु जी ने इलाहाबाद की धरती से उच्चारण किया सी, और ये शब्द विच जीवन मुक्त गुरसिख की गुरमुख की अवस्था दसी है। ते जीवन मुक्त गुरमुख कहो जा हुंदा जिहड़ा जिउंदे दी मुक्त हो गया। जिउंदे दी मुक्त किसनू कहिंदे है, जिहड़े जिउंदे दी काम क्रोध लोभ अहंकार के बंधन टुट गए, इन्हां तों रुकदे चले गए। जिहदे उत्ते काम क्रोध लोभ अहंकार वकारां दा कोई असर नहीं, लोकी तो मर के मुक्ति मानते हैं साध संगत जी, पर गुरबाणी कहती है मरण मुक्त किन पाता। जेड़ा जिउंदे दी मुक्ति नहीं होया, मरिया उन्हें की मुक्ति प्राप्त कर लेनी है, जिउंदे दी मुक्त हो जाए। जिउंदे दी मुक्त गुरसिख अमृत छक के लह चला के बाणी पढ़ के सतसंगत करके दसा नाम की धर्म की किरत करता नाम जप के जिउंदे दी सिख मुक्त हो जाता है। कलगीधर पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के वचन हैं साध संगत जी के, जेडे गुरसिख माई भाई दियां रगां विच इक वारी अमृत चलिया जावे ना, एक वारी अमृत जिहदे अंदर चले गया खंडे बाटे दा, असीं उहनूं कदे नरकां विच नहीं पैण दिंदे। एड्डी वड्डी जिम्मेवारी कलगीधर पातशाह जी ने चुकी हुई है सिखां दी। जे उह तों कोई बजर गलती भी गुनाह भी कुड़ैत भी हो जांदा ना, महाराज कहते उन्होंने दोबारा सिखा के घर में जन्म दे के उसके गुनाहों को बख्शा के फिर अपने चरणों में ले आएगा। इन्ना प्यार इन्ना स्नेह तो माँ बाप भी नहीं अपने बच्चे नाल करते। नलायक बच्चा हो जाए माँ बाप जेड़े है ना नलायक बच्चे नालों अपना नाता कट देंगे, बेदखल कर देंगे घर परिवार जमीन जायदाद को। पर धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी बेदखल नहीं करते, भुलिया भी अपने चरणों फिर जोड़ लेंगे, उड़ जाते मार्ग पाए भुले सिख गुरु बख्शाए। क्यों भुलिया महाराज बख्श लेंगे जे कोई वकिया हो जाए, क्यों ज्योदे जी मुक्त हो जाना, भाई काम करो लोग अहंकार के बंधन टुट जाने, मुक्ति हासिल कर लेना ज्योदे जी, उन्होंने कहते जीवन मुक्त। जीवन मुक्त की अवस्था की है, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी फुरमान करते हैं, भाई अवतार सिंह जी का नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के स्थान
गुरुद्वारा श्री बाबा बकाला साहिब नाल भी बड़ा ही स्नेह सी, बहुत प्यार सी उन्हां उत्थे भी दर्शन करन जांदे। बाबा बिशन सिंह जी मिसल शहीदां तरना दल, बाबा बकाला साहिब जथेदार, बाबा कीर्तन सिंह जी, इन्हां महापुरखां दी भी उन्हां ने संगत कीती। सो सात संगत जी ऐसे गुरुदेव जी प्रमाण करते हैं नौवें पातशाह मन का अर्थों का उत्तम अधिकारी उत्तम अवस्था प्राप्त कर लिया जिन्हें, जिसे उत्ते दुख पै जाए पर दुख का असर ना करूंगे। बंदे ते दुख पै जाए बंदे का मन डोल जाता, आत्मा डोल जाती, बहुत वड्डा गहरा कहीं ते असर चले जाता, इन्ना असर पै जाता कि बंदा अपना दिमागी तवाजन भी खो के बैठ जाता। नीम पागल वाली हालत लोगों की होंगी हुई देखी है, जिन्हों अंग्रेजी डिप्रैशन कहते हैं, वो भी बंदे भारू हो जाते हैं। डिप्रैशन का शिकार हो जाता बंदा, डिप्रैशन का शिकार जरा बहुत ज्यादा हो जाए ना, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸੌਣ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁੱਖ ਸਦੇਹ ਵਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਗੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਨੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜਮਾ ਦਾ ਡਰ ਪੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਨ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਤਨੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢੇਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੁਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਮੰਨਦੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਧਰਮ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਿਆਰੇ ਡਿੰਦਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿੰਦਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਸਾ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੁਲ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਲੋਭ ਔਰ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਖਣ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਰਸ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਛੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਚਾ ਕੋਠੜਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੋਠੜਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਕੋਠੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਟੁੱਟਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਵਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਏ, 1,00,000 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਗੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ, ਰਾਗੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੁਨੀਆਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋ ਗਏ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ।
ਅੱਗੋਂ ਰਾਗੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਤਿਆਗ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ। ਜਾਂ ਚੱਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਸੁਖਦੇਹ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੈ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇਹ ਤੈ ਤਹੀ ਰਾਜਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਏ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਧਨਾੜ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਐਸਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੁੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸ ਤੁਤ ਜਾਪੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਣਹੋਈ ਉਸ ਤੁਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਬੰਦਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰਤ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਗਮੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਝੋਰਾ ਚੰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਆਏ ਹਰਖ ਨਾ ਗਏ ਸੋਗ, ਨਾਹੇ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ ਵੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਬੜਾ ਭੈਭੀਤ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧੂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਜੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਬੜਾ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਵਦੇਵ ਮੁਕਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਬਾਜ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਗਈ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਲਿਆ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਸਤਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਡੇਰਾ, ਰਸਤਾ, ਮਸਤਾ, ਬਰਤਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਦੌਲਤ ਸਭ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧਾਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਇੱਕ ਤੁੱਛ ਜੇ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਿਆ ਦੇ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਖੇਪਤਾ ਨਾਲ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਲੋਕ ਮੋਹ ਮੋਹ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ, ਲੋਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸੋਗ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਰਹਿ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਮਾਨ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤੱਤ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਉਮੈ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੰਨਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਟੁੱਕ ਟੁੱਕ ਕੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ
नमाज पढ़ते सन ना पहलिया पहलिया उन्होंने सिर के उत्ते लोग चिकड़ सिट देंगे सन गंदगी सात संगत की ऐसी अवस्था शमसत बरे जिहड़ा महात्मा होया उहदे उत्ते लोगों ने चिकड़ सिट देना पर उन्हें मुस्कुराई रहना तो हसी रहना ऐसी अवस्था उन्होंने महापुरखा इस करके मान और अपमान तो रहत ना किसी का मान वाधू करना ना किसी का निरादर करना अपना मान अपमान होता ता भी उसका कोई प्रभाव नहीं जीवन विच आसा मनसा संगल त्याग आसा होंदिया जिहड़िया मन के विच लगी होवे पूरी ना होंदी होवे बंदा भटकदा किते किते नहीं जांदा मन के संकल्प थोड़े थोड़े समय बाद इच्छा पैदा हो जानी ये सारिया उन्होंने छड़ दित्तियां त्याग दित्तियां हन जागते रहे निरासा संसार वालों निर्लेप रहते हैं उपराम रहते हन काम क्रोध जिहे परसा लाहन काम वकार क्रोध दी अग उन्होंने नेड़े नहीं लगती कदे भी परसदी नहीं देहे घट ब्रह्म निवासा हर गुरु तेग बहादुर साहब कहते जिन्हों की अवस्था ऐसी है उन्होंने हिरदे प्रतख हो करके वाहेगुरु वसदा उन्होंने प्रतख के दर्शन भी होंगे प्रतख रूप में उन्होंने हिरदे में वास है गुरमुखा उत्तम अधिकारियों से सतगुरु ने ऐसी कृपा कर दी है ये गुरु की कृपा नाल ये सारे गुण जीवन में विशेषताइया शुभ गुण कह लो ये अवस्था उन्होंने प्राप्त होंगी है संगत जगत पछानी जिन्होंने गुरु की कृपा हुई है उन्होंने जुगती सारी मर्यादा कह लो इस सिद्धांत उन्होंने पछाण लिया प्रतख सारा कुछ प्राप्त कर लिया है वेखद्या वेखद्या शरीर दे होंदे ही ऐसी अवस्था प्राप्त की नानक लीन भयो गोबिंद सियो धन गुरु नानक देव महाराज जी की नौवीं जोत वैराग की मूल धन गुरु तेग बहादुर साहब जी फरमान करते हैं कि वह तो भाई परमेश्वर ना इं एक मिक हो गए दीन हो गए मिल गए जो पानी संग पानी जिवें पानी